हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। मैं हूं मिहिर सोनी और आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 संस्कृत ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है क्रूदन। क्योंकि फ्रेंड्स, सब स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ग्रामर टॉपिक्स कराइए, तो फ्रेंड्स ये पर्टिकुलरली जो मेरा वीडियो है ये ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। आज मैं आपको कराऊंगा ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है क्रूदन। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी चैप्टर का पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सारे के सारे 20 चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या है, मेरे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसके अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्रूदंत का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हमारा क्रूदंत का टॉपिक है मेनली, फ्रेंड्स जो क्रूदंत होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको 6 के 6 टाइप्स के यहाँ पे क्रूदंत समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, क्रूदंत का मतलब होता है सफिक्स। सफिक्स यानी जो हर एक वर्ड्स के पीछे, यहाँ पे क्रूदंत का लास्ट में आपको वर्ड दिया होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, त इत तम आत। यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे ही एग्जांपल्स मैंने आगे लेकर आपको समझाए। पहले मैं आपको ये क्रूदंत समझा देता हूँ, ये इनके सफिक्स हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आगे आपको सब एक्सप्लेन एग्जांपल के साथ भी करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है क्रूदंत का, जो हमारा फर्स्ट क्रूदंत है जिसका नाम है कर्मणि भूत क्रूदंत। कर्मणि भूत क्रूदंत, तो फ्रेंड्स कर्मणि भूत क्रूदंत जब आता है तो इसके सफिक्स कौन से होते हैं, यानी जो इसका क्रूदंत यानी जो प्रत्यय, प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं तह इत तम आत। तह इत तम आत, ये इसके सफिक्स होते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर हम सेकेंड पे आए हेतवर्थ क्रूदंत, तो फ्रेंड्स हेतवर्थ क्रूदंत के हमारे सफिक्स होते हैं तुम इतुम। तुम और इतुम इसके सफिक्स होते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड वाले पर आएँ तो थर्ड का नाम है संबंधक भूत क्रूदंत। तो संबंधक भूत क्रूदंत के जो सफिक्स होते हैं वो होते हैं य त्य त्वा, य त्य त्वा। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं जैसे ही एग्जांपल्स लूँगा आपको सब माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, अब मैं फोर्थ एग्जांपल पर आता हूँ विद्यार्थक क्रूदंत। विद्यार्थक क्रूदंत के जो सफिक्स है वो है तव्य इतव्य आनीय इयम। तव्य इतव्य आनीय इयम। फ्रेंड्स, फिर फिफ्थ हमारा जो है वो है वर्तमान क्रूदंत। तो वर्तमान क्रूदंत के जो हमारे सफिक्स है अत मान आन, अत मान आन, यह हमारे इसके सफिक्स हैं यानी प्रत्यय हैं। फिर हमारा जो सिक्स्थ है कर्तरी क्रूदंत, उसके जो सफिक्स है वो है वान वत और वती, वान वत और वती। देखिए फ्रेंड्स, जो क्रूदंत हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, इसमें आपको ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये 6 टाइप के जो क्रूदंत हैं इनके नाम याद रख लीजिए, इनके प्रत्यय याद रख लीजिए। फिर फ्रेंड्स, आपको मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ। आपको एग्जाम्स में ऐसे पूछेंगे सर्व राष्ट्रीय ध्वज वदंती है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स दिए होंगे उसमें एक एग्जांपल में आपको लास्ट में यहाँ पर देखिए अंडरलाइन करके दिया होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया अंडरलाइन करके दिया होगा। तो फ्रेंड्स, सब आपको ऐसे अंडरलाइन करके बताएं तो आपको बताना है कि ये कौन सा टाइप का यहाँ पर क्रूदंत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा लास्ट में हमारे जो प्रत्यय थे, तो मैं आपको वापस वो वाले पेज पर लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लास्ट हमारा वर्ड है आपको उस पर ही नोटिस करना है। तो इसमें जो हमारा लास्ट लेटर है यानी लास्ट लेटर हमारा यहाँ पर है तह, तो आपको देखना है कि तह कौन से में आता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए कर्मणि भूत क्रूदंत में तह यहाँ पर आता है, तह। तो फ्रेंड्स, बस आपको करना कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर आना है और आपको तह, हमारा जो तह आंसर आता है यानी तह हमारे किस आंसर में आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर्मणि भूत क्रूदंत में यह हमारा आंसर आता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है कर्मणि भूत क्रूदंत। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब आता हूँ मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है रत इत्यत्र क क्रूदंत, यानी फ्रेंड्स अब यहाँ पे रत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ऊपर देखा तह, तह फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको वापस से पेज पे लेकर आता हूँ, तो आप देख सकते हैं तह, तह हमारा आता है कर्मणि भूत क्रूदंत में, कर्मणि भूत क्रूदंत में तह आता है। तो फ्रेंड्स, इसका भी एग्जांपल होगा बी, बी कर्मणि भूत क्रूदंत। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मैं और दो एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा अब यहाँ पे थर्ड हमारा क्वेश्चन है तनयुक्तम सांप्रतम क्षणिमपि अत्र अवस्थातुम।
फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं अवस्थातुम अवस्थातुम म। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो म है हमारा वो म पूरा नहीं है, आधा है। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे आधा आधा म आए तो फ्रेंड्स आपको इसके पहले वाला लेटर यहाँ पे देखना होता है। तो यहाँ पे हमारा इससे पहले का लेटर है तू, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा आपका वर्ड बन जाता है तुम। या फिर यहाँ पर अगर आधा लेटर हो और पीछे लास्ट में अगर पूरा लेटर हो तो आपको यहाँ पे ये लास्ट दोनों लेटर ले लेने होंगे, या आगे हो आधा लेटर या आधा लेटर पीछे हो, उसमें आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अवस्थातुम, तो अवस्थातुम में तुम आता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि तुम किस में आता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको वापस वो पेज पे लेके जाता हूँ। और फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो तुम आता है, यहाँ पे फ्रेंड्स तुम आता है हेतुवर्थक कृदंत में। हेतुवर्थक कृदंत में आप देख सकते हैं यहाँ पर तुम आता है। फ्रेंड्स बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको वापस यहाँ पे मैं पेज पे लेकर आता हूँ और यहाँ पे बस आपको डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा हेतुवर्थक कृदंत। हेतुवर्थक कृदंत ही हमारा इसका आंसर है। फिर फ्रेंड्स हम आते हैं आप फोर्थ वाला एग्जांपल पे। अभी भी जिसको डाउट है वो ये एग्जांपल ज़रूर देखें। दिवे रह आगत्य जलाशय जालम क्षिप्तमम क्षिप्तमम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आगत्य पे यहाँ पर अंडरलाइन करके दी गई है, आगत्य पर यहाँ पर अंडरलाइन की है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको वापस वो वाले पेज पर लेकर आता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी। अब वापस हम वो वाले पेज पर आते हैं जिस पे मैंने क्रूदंस आपको बताए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमने देखा आगत्य हमारा वर्ड था। तो मैंने जैसे कि बताया था फ्रेंड्स के आगे वाला हाफ हो या पीछे वाला हाफ आपको पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स त और य, त और य आपको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं त और य जो हमारे लेटर्स है वो आते हैं संबंधक भूत क्रूदंत में। त और य हमारे आते हैं संबंधक भूत क्रूदंत में। तो फ्रेंड्स बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर आना है और त और य आते हैं संबंधक भूत क्रूदंत में, तो आपको संबंधक भूत क्रूदंत यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। और अगर फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो फ्रेंड्स आपको पूरे के पूरे ये जो टेबल्स मैंने आपको जो अभी लास्ट में इमेज दिखाई थी वो आपको पूरा का पूरा लर्न कर लेना है। आप वीडियो को वापस पॉज करके बैक प्रीवियस देख सकते हैं, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने जो हमारा यहाँ पर 20 और 21 में जो हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वो चैनल पर वीडियो नहीं देखा हो तो आप जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।